तो महेंद्र सिंह धोनी की कमाल की पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेटों से हरा दिया है और इसी के साथ मुंबई इंडियंस को उसकी लगातार 7वीं हार मिली है और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस ने एक बनाया है एक अनचाहा अनोखा रिकॉर्ड। तो अनचाहा अनोखा रिकॉर्ड के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो अगर बात करें मैच की, तो मैच में आखिरकार टॉस जीता रविंद्र जडेजा ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और शुरुआत क्या खतरनाक रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। मुकेश चौधरी क्या खूबसूरत गेंदबाजी की पहले ओवर में, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, फिर ईशान किशन को क्या मस्त बोल्ड किया, पूरी तरीके से आउट स्विंग यॉर्कर था और उनका जो ऑफ स्टंप था उसको उड़ा दिया और एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा मुश्किल में आ गई थी। और दूसरे ओवर में जब दूसरा ओवर अपने पारी का दूसरा ओवर लेके आया मुकेश चौधरी, उसमें भी उन्होंने डेविड ब्रेविस को भी आउट कर दिया और मुकेश चौधरी ने 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए 19 रन देके। और मुंबई इंडियंस की लड़खड़ाती हुई पारी 155 रनों तक पहुंची और चेन्नई सुपर किंग के सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा। बात करें मुंबई की तरफ से सबसे सफल स्कोरर की, तो उनमें रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए, ईशान किशन भी खाता भी नहीं खोल पाए, डेविड ब्रेविस ने सिर्फ 4 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 32 रनों का योगदान दिया, वहीं तिलक वर्मा 51 रन बना के नाबाद रहे 43 बॉलों में, 3 चौके और 2 छक्के लगाए, किरण पुलाट 14 रन बनाए, डैनियल सेब 5 रन बनाए और जयदेव नाटकत 9 बॉलों में 19 रन बना के नाबाद रहे। बात करें चेन्नई की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज की, तो चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी को 3 विकेट मिला, वहीं डैरन ब्रावो को 2 विकेट मिला और मिचेल सेंटनर और महेश तीक्ष्णा को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे मैच में 4 कैचेस और साथ ही साथ 1 स्टंपिंग का चांस गवाया। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स की फील्डिंग बहुत ही ज्यादा खराब रही, इवन महेंद्र सिंह धोनी ने भी 1 स्टंपिंग का चांस गवाया। चेन्नई सुपर किंग्स जब बैटिंग करने आए, चेन्नई सुपर किंग्स की भी खराब शुरुआत रही, ऋतुराज गायकवाड़ पहली बॉल पे डक आउट हुए, वो शिकार हुए डैनियल सैम्स का, रोबिन अप्पा 30 रन बना के आउट हो गए, मिचेल सेंट्रल सिर्फ 11 रन बनाए, अमाती रायडो ने अच्छी पारी खेली, 40 रनों की पारी खेली 35 बॉलों में, 2 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे 13 रनों का योगदान दिया, रविंद्र जडेजा से बॉल लगी नहीं रहती, वो सिर्फ 3 रन बनाए। फिर आए महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, महेंद्र सिंह धोनी और डेविड प्रेटोरियस, इन दोनों ने कमाल की पारी खेली। डेविड प्रेटोरियस हालांकि सैंपल साइज बहुत ही छोटा है, 20-22 रन ही बनाए, लेकिन बहुत ही बढ़िया पारी खेले डेविड प्रेटोरियस ने, 14 बॉलों में 22 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्कों की मदद से। और बात करें लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में 17 रनों की आवश्यकता थी और बॉलिंग पे थे जयदेव उनादकट, जी हाँ, जयदेव उनादकट के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का 230 का स्ट्राइक रेट है। और पहली बॉल करें तो पहली बॉल पे जयदेव उनादकट के विकेट भी आया था, उन्होंने पहली बॉल पे डेविड प्रेटोरियस को LBW आउट कर दिया, फिर दूसरी बॉल पे सिर्फ 1 रन आया, डैरन ब्रावो ने सिर्फ 1 रन दिया, तीसरी बॉल पे उनके आउटसाइड ऑफ स्टंप पे स्लॉट में बॉल थी महेंद्र सिंह धोनी के और महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रेट पे 6 लगाया, फिर इसके बाद चौथी बॉल पे उन्होंने गेंदबाजी की शॉर्ट पिच और चौथी बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी ने 4 रनों के लिए मारा पीछे, जी हाँ, लेग साइड पे, फिर पांचवी बॉल पे सिर्फ 2 रन आए, पांचवी बॉल अच्छी थी, लेकिन फिर लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने वो स्वीप वाला शॉट खेल के आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेटों से जिता दिया है। जी हाँ, बात करें मुंबई की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज की, तो मुंबई की तरफ से डैनियल सैम्स को 4 विकेट मिला, बुमराह का विकेट कॉलम खाली रहा, वहीं रायली मेरेडेथ को 1 विकेट मिला और जयदेव उनादकट को 2 विकेट मिला। चलिए आपको बताते हैं मैच के बारे में, आखिर क्या पॉइंट रहा, कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जिसमें आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस पर पड़ी भारी। तो बात करें पॉइंट्स की, तो सिर्फ एक ही रीजन रहा जिसके वजह से आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हराई और वो रीजन थे महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, हालांकि डेविड प्रेटोरियस भी अच्छी पारी खेले, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो कारण थे जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों टीमें अगर खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीमें इक्वली थी, बॉलिंग चेन्नई की भी अच्छी थी, बॉलिंग मुंबई की भी अच्छी थी, बैटिंग मुंबई की भी खराब थी और बैटिंग चेन्नई की भी खराब थी। जी हाँ, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो सबसे अच्छा खेला वो महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, लास्ट ओवर में उन्होंने जो पारी खेली है उसके लिए उन्हें बेस्ट फिनिशर कहा ही जाता है, वो बेस्ट फिनिशर है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट की किताब का जब भी आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा तो वो खुद लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने एक अनहोनी को होनी कर दिया और क्या मतलब बहुत अच्छी पारी खेली, आज एकदम दिल बाग बाग हो गया
जितने भी फैन थे सब एकदम खुश हो गए और आईपीएल को उन्होंने रिवाइव कर दिया। जो आईपीएल की पॉपुलैरिटी डाउन हो जा रही थी, निश्चित तौर पर इसके बाद आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। तो सिर्फ एक रीजन रहा जिसके वजह से मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि आईपीएल के हिस्ट्री में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो लगातार 7 मैच हारी हो। जी हाँ, तो मुंबई के लिए एक शर्मनाक जो रिकॉर्ड है उनके नाम हुआ है। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का सपना भी अब खत्म हो चुका है। अब 7 मैच उन्हें बचे हैं उनके, और 7 मैच जीतते भी हैं फिर भी वो मुश्किल है उनका प्लेऑफ में पहुंचना। तो मुंबई इंडियंस आखिरकार पहली टीम मेरे हिसाब से बनी है जो अब प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये था मैच का एनालिसिस, साथ ही साथ मैच हाइलाइटेड, मैच प्रीव्यू के लिए बने रहिए 1 मिनट स्पोर्ट्स के साथ। बस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए आप 1 मिनट स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट स्पोर्ट्स पे। धन्यवाद।